सूरत जिल्लामांथी पसार थता नेशनल हाईवे पर सतत अकस्मातना बनावो बनी रह्या छे। त्यारे गत रात्रिना समये मयतमां हाजरी आपी परत आवी रहेला परिवारने मांगरोळ जिल्लाना पीपोदरा नजीक अकस्मात नड्यो हतो, जेमां बाइक पर सवार दंपती अने बाळक रोड पर पड़ी गया हता। 7 महीनाना बाळकने माथाना भागे गंभीर इजाओ थता तेनुं घटना स्थळे ज मौत थई गयुं हतुं। सूरत शहर विस्तार में रहता जाकिर भाई जीओ तेमनी पत्नी सबनम बेन अने 7 मासनो पुत्र मोहम्मद उमर जाकिर मौलाना साथे बाइक पर भरूच खाते रहता तेमना संबंधीना घरे मैयत में गया था। मैयत माथी परत आवी रह्या हता ए दरमियान मांगरोळ तालुकाना पीपोदरा गाम पासे पसार थता नेशनल हाईवे पर ब्रिज उतरता ज तेमने अकस्मात नड्यो हतो। पूर झड़पे अने गफलत भरी रीते हंकारी आवी रहेला अजाण्या वाहन चालके बाइक ने टक्कर मारता बाइक पर सवार परिवार रोड पर पटकायो हतो, जेमां दंपतीने नानी मोटी इजाओ पहोंची हती। ज्यारे 7 मासनो बाळक मोहम्मद उमर जाकिर मौलानाने माथाना भागे गंभीर इजाओ थता खोपड़ीना बे भाग थई गया हता अने घटना स्थळे ज एनुं मौत थयुं हतुं। अकस्मात सर्जी अजाण्यो वाहन चालक घटना स्थळेथी फरार थई गयो हतो। ઘટનાની જાણ 108 એમ્બ્યુલન્સને તેમજ કોસંબા પોલીસને કરવામાં આવતા કોસંબા પોલીસ સ્થળ ઉપર પહોંચી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। બાળકના મૃતદેહ જોઈને હાજર લોકોના હાથ પગ કંપી ઉઠ્યા હતા। આ સમગ્ર ઘટના અંગે કોસંબા પોલીસે તપાસ ચલાવી રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ H24 ન્યૂઝ સુરત।